नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में हो रहे डिलिमिटेशन में। डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में हो रहा है, उसके साथ ही गुपकार अलायंस, जो जम्मू कश्मीर का एक उनका कहना था कि ये डेमोक्रेटिक अलायंस है, गुपकार अलायंस में हुई चर्चा और क्यों गुपकार अलायंस अब इतने दिनों बाद निकल कर बाहर आया और उसने जो पब्लिक सार्वजनिक स्टेटमेंट देने शुरू किए भारत सरकार के खिलाफ या भारत की पॉलिसीज़ के खिलाफ या जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है। हालांकि सज्जाद लोन उसके पार्ट नहीं रहे, हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर सज्जाद लोन का क्या। दूसरा हम लोग चर्चा करेंगे कि मोदी सरकार की स्थिति जो बंगाल चुनाव के बाद हुई और जो भारत के ऐसे भारत विरोधी लोग जिन्होंने मोदी सरकार को कभी गठघरे में खड़ी घसीटने का प्रयास किया और ये भी संभव है कुछ राष्ट्रवादी लोग जो मोदी सरकार को बहुत पसंद करने वाले थे, जिनके हीरो कभी मोदी जी हुआ करते थे, उन वो अपना दुखी मन उनके चक्रव्यूह में आकर आ गया और हार पर, बंगाल की हार पर भारत के राष्ट्रवादी लोगों ने मोदी सरकार के विरुद्ध काम करना शुरू किया। किसी ने कहा उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं रही, किसी ने कहा कि वो अब वाजपेयी बन गए हैं, किसी ने कहा उनको अब सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो है वो मुसलमानों का विश्वास हासिल करने पर लग गए हैं, देश विरुद्ध शक्तियों का विश्वास हासिल करने पर लग गए हैं और अब वो हमारे देश के लिए अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन लोगों के पास एक और छवि के व्यक्ति का है जिसको योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं। तो अब उसका पूरा विश्लेषण और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर विषय को लेकर क्यों पाकिस्तान इस प्रकार के काम कर रहा है और ये जो गुपकार अलायंस बैठा है, गुपकार अलायंस के अभी अचानक बाहर निकलने का कारण क्या है, क्या ये गुपकार अलायंस कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो इस समय पॉलिसी बन रही है या पाकिस्तान सरकार जिस तरह से अफगानिस्तान मैटर उठा रही है और अफगानिस्तान में मोदी सरकार ने जो इंटरवेंशन किया है तालिबान ग्रुप के साथ, मैंने कल भी एक उस पर पूरी खबर बनाई थी कि तालिबानियों के साथ जो मोदी सरकार ने राष्ट्रीय तालिबानी अफगानिस्तानी तालिबानी जो कि राष्ट्र के साथ खड़े होते हैं उनके साथ बात करना शुरू किया पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, तो क्या पाकिस्तान ने गुपकार अलायंस को फिर से खड़ा किया है काउंटर को काउंटर करने के लिए, क्या कि आप अफगानिस्तान में घुसना चाहते हैं या अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स करें क्योंकि पाकिस्तान को हम प्रेशर में ले रहे थे, या पाकिस्तान जो खेल खेलने की कोशिश 370-35 कैपिटल ए राज्य के साथ करने की कोशिश कर रहा है उस खेल में भारत सरकार जिस तरह से कटघरे में आ गई थी और अफगानिस्तान के अंदर भारत पाकिस्तान को काउंटर कर रहा था, तो क्या जम्मू कश्मीर का ये पोर्शन या जम्मू कश्मीर में जो ये गुपकार अलायंस के लोग हैं क्या पाकिस्तान की ही शह पर ये सब कुछ कर रहे हैं, इन सब पर पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। विषय ये है कि जम्मू कश्मीर, हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर 1947 से लेकर नेहरू की एक गलत पॉलिसी की वजह से, जिसमें नेहरू ने बिना संवैधानिक प्रावधान हुए, बिना किसी एग्रीमेंट के या बिना किसी दबाव के आर्टिकल 370 की एंट्री मरवा दी और आर्टिकल 370 को दोबारा हटने नहीं दिया, भले ही जम्मू कश्मीर के उस समय के शेख अब्दुल्ला के शासन के बाद बख्श गुलाम मोहम्मद की ये रिकमेंडेशन रही हो कि 370 हटाओ, तब भी नेहरू उनमें मनमानी करते रहे। अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि भी आगे आने वाली है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पहले राष्ट्रभक्त थे जिनकी शहादत जम्मू कश्मीर में हुई थी और सिर्फ इसलिए कि जो आज मोदी सरकार ने किया है वो काम वो उसी समय 1947-50 में करना चाहते थे। 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जो हिम्मत कर गए, वो हिम्मत जो वो कर गए उसमें जम्मू कश्मीर में उनकी हत्या हो गई, हत्या करके उनको बंगाल ले जाया गया, बंगाल में उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, दिल्ली उनकी बॉडी लाई नहीं गई और बंगाल में उनका अंतिम संस्कार जल्दी से कर दिया गया था। ऐसा लोग कहते हैं कि पॉइजन के जो निशान हैं वो चेहरे पर चमक रहे थे, उनके ये पता लग रहा था कि उनको पॉइजन दिया गया है, लेकिन वो पॉइजन देने वालों में ऐसा भी कहा गया कि नेहरू की शह पर जम्मू कश्मीर के उस समय के शासक शेख अब्दुल्ला के द्वारा ये सब कुछ करवाया गया।
अब ऐसी परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर जब इतनी शहादतें ले चुका हो, तो 2019 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को दो विधान दो निशान दो सरकारें या दो संविधान भारत में नहीं चलेंगे, जिनको समाप्त करके मोदी सरकार ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है और संसार के बहुत कम कंट्रीज पर विश्वास कर पा रहे थे या देश के लोगों को भी इस पर विश्वास नहीं था कि मोदी सरकार ऐसा कर सकती है। लेकिन मोदी सरकार को जब जनता ने बल दिया और जनता उनके पीछे खड़ी हुई थी, उनके हौसले बिल्कुल सातवें आसमान पर थे, उन हौसलों का परिणाम ही था कि आर्टिकल 370 वो जड़ से उखाड़ ले गए और जम्मू कश्मीर का संविधान पूरा का पूरा इनएक्टिव कर दिया, जिसमें आर्टिकल 35 कैपिटल ए भी शामिल था। उसी दौरान हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान ने पूरे विश्व में ये ड्रामा करना शुरू किया, पाकिस्तान ने पूरे विश्व में भ्रमण किया। इमरान खान को ऐसा लगा कि ये मेंटली डिसेबल्ड पर्सन हो गए हैं, वो ट्रंप के पास गए, वो यूरोपियन यूनियन गए और वो विश्व भर में जहाँ कहीं भी जा सकते थे उन सभी जगहों पर उस समय वो गए। लेकिन मोदी सरकार के आगे, मोदी जी के आगे उनका प्रभाव दिखाई नहीं दिया और नतीजा निकला कि वो अब संसार में अलग थलग पड़ गए और जो मददें उनको अमेरिका से मिल रही थी या संसार के दूसरे कंट्रियों से मिल रही थी, जिनकी बदौलत उनके यहाँ भोजन पानी चल रहा था, वो भी पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये सब कुछ जो पाकिस्तान करने का प्रयास कर रहा था, उसी प्रयास को वो जब आगे बढ़ाता है तो अफगानिस्तान से जब पाकिस्तान जब 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 यूएस की सेना विड्रॉ करना चाहती है जा रही है, तो पाकिस्तान का ऐसा कहना कि तालिबानियों के साथ उनका कोलैबोरेशन है और तालिबानी तभी उनकी बात मानेंगे जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370-35 कैपिटल ए रीस्टोर कर दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर का विषय आगे उठाया जाएगा, यानी कि 5 अगस्त 2019 से पहले की सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। ये सब कुछ पाकिस्तान ने स्वांग रचा था, उसके काउंटर में भारत सरकार ने तालिबानियों के साथ, तालिबान का वो फैक्टर जो पाकिस्तान से नफरत करता है, तालिबान का वो फैक्टर जो अफगानिस्तान को अपना देश मानता है और अफगानिस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है, अफगानिस्तान को के दायरे में रहना चाहता है, उस फैक्टर के साथ मोदी सरकार ने बात करना शुरू किया। यानी कि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा काउंटर था और पाकिस्तान उसको हजम नहीं कर पा रहा था, इसमें कोई शक नहीं। अब ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान मोदी सरकार को काउंटर करने के लिए भारत में गतिविधि चलाए, ये स्वाभाविक था। मैं पहले भी उम्मीद कर रहा था कि ये जो मोदी सरकार ने किया है अफगानिस्तान को लेकर या वहाँ जो उन्होंने बात करना शुरू किया है, वो अब ऐसा ना हो कि पाकिस्तान भारत में कुछ इंटरवेंशन करे, और अगर नहीं करता है तो ये पाकिस्तान अपनी पॉलिसी भूल रहा है क्या। अब सवाल यहाँ पर आता है कि भारत में वो डिस्टर्बेंस कैसे करे। पाकिस्तान भारत में दो तीन प्रकार से डिस्टर्बेंस करता है। पहला, वो भारत में अपनी कम्युनिटी उसको लगता है कि ये लोग मेरे लिए काम करेंगे, उनको कुछ पैसा सप्लाई करता है जो पाकिस्तान के पास अभी है नहीं। दूसरा, वो पूरी कोशिश करता है कि पाकिस्तान से ट्रेंड आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करवा दिए जाएं भारतीय टेरिटरी में, जो इस समय संभव नहीं है क्योंकि भारत की सेना इस समय पूर्ण रूप से तैनात है और भारत सरकार ने सेना को खुली छूट दे रखी है, बात करने के बजाय गोली चलाओ अगर बॉर्डर से कोई एंट्री मारता है तो, वो भी नहीं हो सकता। और भारत में मोदी जी की जो टीम है, चाहे वो शिवराज जी चौहान की टीम हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी की टीम हो, या और लोगों की जो टीम बैठी हुई है, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हो, ये सारी टीम इस समय एग्रेसिव टीम के रूप में दिखाई देती है। मोदी जी थोड़े से अपने आप को लिबरल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेटों की उनकी टीम है वो बिल्कुल एग्रेसिव है जी। ये ही एक इंटरनेशनल पॉलिसी होनी भी चाहिए थी कि ऊपर बॉस बैठे जो लिबरल दिखाई दे और नीचे लॉ एंड ऑर्डर जिनके पास है, राज्यों के पास, राज्य उस पर आक्रामक दिखाई दें, ताकि इंटरनेशनली भी सरकार को ना घसीटा जा सके और इंटरनली जो करना चाहते हैं वो हो भी जाए। इसको ध्यान में रखते हुए ही मोदी सरकार अपने एक इक्वलरियम सिचुएशन पर आ गई और राज्यों में जो चल रहा है, अगर मोदी सरकार लिबरल, जैसा लोग कह रहे हैं कि तथाकथित लिबरल हो गए, अगर मोदी सरकार वैसी थी तो कंट्रोल पार्टी का आज भी उनके हाथ में है और आज भी वो देश के सर्वमान्य नेता हैं, तो वो राज्यों से कहते कि नहीं, ये ऐसा नहीं करना है, तुम लोगों को भी मेरे रास्ते पर चलना है। लेकिन राज्य उनके रहते हुए पूर्ण रूप से अपना काम कर रहे हैं और एग्रेसिव तरीके से कर रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि मोदी सरकार राज्यों को खुली छूट दे रखी है और उस खुली छूट में राज्य जैसे चाहें वैसे बिहेव कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी समय मोदी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वो अपने समय पर पूर्ण रूप से राज्य को कैसे चला रहे थे।
और केंद्र उनको नहीं रोक सकता था क्योंकि केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। आज भी फेडरल सिस्टम के तहत मोदी सरकार संसार भर में ये कह सकती है कि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, राज्य के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है और राज्य के अपने सब्जेक्ट हैं, इसलिए राज्यों पर हमारा बहुत जोर नहीं है, राज्य जैसा करना चाहते हैं वैसा करें, लेकिन हम तो आप सबके साथ मिलकर खुलकर विश्व की पॉलिसी बनाना चाहते हैं। वो तरीका जो मोदी जी ने अपनाया वो तरीका विश्व भर में, मुझे लगता है कि अगर जो बुद्धिजीवी भारत के लोग हैं उनको ये बात समझ आ ही जा रही होगी कि मोदी जी राज्यों में अच्छे मुख्यमंत्री बिठाने के बाद खुद किस रास्ते पर चल पड़े हैं। हालांकि दिखाने के और खाने के दांत अलग अलग होते हैं, इसलिए बहुत कुछ खुले रूप में नहीं कहा जा सकता, लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी है। पर इस समय की जो सिचुएशन है कि क्या पाकिस्तान ने जो उसके तरीके हैं कि इन्फिल्ट्रेशन वो करवा के करता था, आतंकवाद फैलाकर करता था, देश में धरने प्रदर्शन करवा कर करता था, किसान आंदोलन करवा कर करता था, या फिर वो शाहीन बाग जैसे हत्याकांड करवाता था, ऐसे तरीके पाकिस्तान अपना सकता है? सरकार इसमें मुस्तैद है, इसलिए इन तरीकों में हुए तो बहुत कुछ लेकिन इन तरीकों में अब बहुत बड़ी सफलता मिलती नहीं दिखाई पड़ रही है। तो पाकिस्तान के पास अब दूसरे हथियार हैं। दूसरे हथियार ये हैं कि पाकिस्तान जो मोदी विरोधी भारत में हैं, चाहे वो ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री हों, अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री हों, या फिर और ऐसे बहुत सारे अलायंस पार्टियां हों जो कि मोदी सरकार को फूटे आंख भी देखना नहीं चाहती। उनका ये प्रयास सदैव रहता है कि भारत को कितना डिस्टर्ब किया जाए और मोदी सरकार को सीधे तरीके से या उल्टे तरीके से किसी न किसी तरह से उनको अपास्त किया जाए। उनके प्रयास में ही बंगाल चुनाव जिस समय मोदी सरकार हारी और उसके बाद वहाँ पर पोस्ट इलेक्शन जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं को लेकर विरोधियों ने उनके ऊपर प्रश्न खड़े करने शुरू किए, क्योंकि उनके ऊपर जितने ज़्यादा प्रश्न खड़े करेंगे हिंदुत्व के नाम से उतना ही देश में उनके पक्ष के लोग कुछ ना कुछ नाराज हो ही जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति उतनी डेप्थ में सोच जाए ये आवश्यक नहीं है, वो उतना ही सोच पाता है जितना वो सोचने की क्षमता रखता है। अतः मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना, इसका मतलब कुछ लोग मोदी सरकार के विरुद्ध चले ही जाएंगे और जो लोग मोदी को डिसलाइक करने लगेंगे वो वोट कहीं ना कहीं से खसकेगा और खसक कर कहीं ना कहीं जाएगा, भले ही वो नोटा दबाए और मध्य प्रदेश जैसा हाल हो जाए। हालांकि ऐसा कहने वाले लोग लगातार ये मुझसे कहते आए हैं कि नहीं, हमारा वोट तो उनको ही जाएगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि वोट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 10-20% लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, वो सिर्फ माहौल देखकर काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग निकल रहे होते हैं और मोहल्ले में आप अगर शांतिपूर्वक भी अंदर गए हैं, कोई एक व्यक्ति अंदर गया है, हाथी को कोई मतलब नहीं है, फिर भी मोहल्ले में कुत्तों को डर लगता है और वो भौंकने ही लगते हैं। ये इसलिए अब जब हाथी गुजर रहा है तो कुत्ते भौंकना स्वाभाविक है। अब उनके भौंकने पर पड़ोस अड़ोस के जो सभ्य लोग हैं वो सभ्य लोग ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर क्या है, हालांकि वो शांत हो जाते हैं और उन कुत्तों को शांत नहीं कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी स्ट्रैटेजी है और इन लोगों को भड़काना, जो शांतिप्रिय लोग हैं या जो मोदी सरकार के पक्ष के लोग हैं, जो उनको उनके भक्त लोग हैं जिनको लोग कहते हैं, उन लोगों को भड़काना भी उनका ही काम है। बिल्कुल वैसे ही जैसे राम मंदिर के टाइम पर आपने ध्यान दिया होगा कि मंदिर नहीं बन रहा है, इस बात को लेकर देश में असंतोष फैला दिया गया था कि मोदी सरकार मंदिर क्यों नहीं बनवा रही, जबकि मोदी सरकार की पॉलिसी बिल्कुल साफ थी कि अगर हमने मंदिर के लिए अध्यादेश पास कर दिया तो फिर ये मामला और कोर्ट में फंसेगा और अगले 20-25-50 साल तक और लंबा खींचने वाला है, इसलिए कोर्ट निर्णय पहले करे, जैसा कोर्ट का निर्णय होगा उसके बाद सरकार एक्टिव होगी। वैसा हुआ भी और मंदिर का निर्माण हो भी रहा है, ऐसी उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में नीचे बेस का काम कंप्लीट हो जाएगा और ऊपर मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। अब आप ध्यान रखिए कि गुपकार अलायंस में जो चर्चाएं करनी शुरू की हैं गुपकार अलायंस के लोगों ने, वो चर्चाएं कुछ गलत तरीके से हैं। उनका कहना है कि आर्टिकल 35 कैपिटल ए और आर्टिकल 370 को रिस्टोर करना उनकी प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर राज्य के दो राज्य बनाना ये गलत है, जम्मू कश्मीर राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाना ये गलत है और डीलिमिटेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब सवाल ये आता है कि किसी भी राज्य में डीलिमिटेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो सकता है? डीलिमिटेशन का कार्य ये होता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना क्षेत्र लगेगा और कितनी विधानसभाएँ होंगी, उन विधानसभाओं का क्षेत्रफल क्या होगा, उन विधानसभाओं का कि में कितनी पॉपुलेशन, कितने लोग वोट डालेंगे,
ये डीलिमिटेशन कमीशन आता है हमेशा से, और डीलिमिटेशन कमीशन उस बात का निर्धारण करता है। हालांकि जम्मू कश्मीर ने अपना डीलिमिटेशन एक्ट पास कर रखा था और अपने डीलिमिटेशन एक्ट के थ्रू वो डीलिमिटेशन करवा रहा था, और उसमें जम्मू जो सबसे बड़ा रीजन पड़ता है, जो लद्दाख जो सबसे बड़ा क्षेत्र पड़ता है, दूसरे नंबर पर जम्मू, और सबसे छोटा क्षेत्र 125,000 किलोमीटर जो भारत के पास अभी है, उस 125,000 किलोमीटर में से लगभग आज की तारीख में से जम्मू कश्मीर केवल 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, कश्मीर केवल 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, और बाकी का लगभग 100,000 या उससे ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर का लद्दाख और जम्मू का क्षेत्र। लेकिन सीटों का निर्धारण करें तो मोर देन 50% सीटें कश्मीर में थी, उसके बाद जम्मू में, और 4 सीटें केवल लद्दाख में, जो 60% एरिया बनता था पूरे जम्मू कश्मीर राज्य का। अब आप सोच सकते हैं कि शेख अब्दुल्ला और उनके वंशज किस प्रकार से वहाँ डिलिमिटेशन करवाते रहे कि सारी की सारी सीटें कश्मीर में ही बने रहें। अब जो नया डिलिमिटेशन कमीशन वहाँ पर काम कर रहा है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख छोड़कर, लद्दाख चूंकि अलग राज्य बन गया है इसलिए जम्मू और कश्मीर का डिलिमिटेशन कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन कश्मीर के लगभग बराबर है, और जम्मू की पॉपुलेशन कश्मीर के लगभग बराबर है, और जम्मू में क्षेत्रफल ज़्यादा है इसलिए सीटें ज़्यादा जम्मू में होनी चाहिए, ना कि कश्मीर में, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के जो क्षेत्रफल है उसमें लगभग 2 गुना ज़्यादा क्षेत्र जम्मू में बनता है। इसलिए अगर सीटें उसमें बनती हैं जैसा कि उस समय डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया या जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया, तो उसके तहत अभी जो सीटें हैं उसमें से 60-70% सीटें जम्मू में होनी चाहिए और 30-40% सीटें कश्मीर में होनी चाहिए। अगर ऐसा डिलिमिटेशन कमीशन रिकमेंडेशन 2022 में करता है तो ये जो गुपकार अलायंस के लोग हैं इनकी तो माँ बीमार हो जानी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि फिर जो चुनाव होगा उस चुनाव में जम्मू प्रिवेल करेगा, क्योंकि जम्मू क्षेत्र से ज़्यादा सीटें होंगी, और जम्मू हिंदू बाहुल क्षेत्र है और कश्मीर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति में कश्मीर को ऐसा किया गया था जो अब समाप्त होने वाला है। तो इन्होंने गुपकार अलायंस इतने दिनों बाद बैठा, मुझे जहाँ तक लगता है कि गुपकार अलायंस इस सिचुएशन में बैठा तो गुपकार अलायंस को कहीं ना कहीं पाकिस्तानी प्रोवोकेशन मिला होगा, पाकिस्तानी एक्सरसाइज मिली होगी, ताकि जो मोदी सरकार तालिबान को वहाँ तालिबान के साथ बैठक करके पाकिस्तान को काउंटर करना चाहती है, न्यूट्रलाइज करना चाहती है, तो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सरकार अब जम्मू कश्मीर को डिस्टर्बेंस करके जम्मू कश्मीर में जो गुपकार अलायंस है उसको बाहर निकाल कर मोदी सरकार को न्यूट्रलाइज करना चाहती है, जो अब संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी जी की कोई भी पॉलिसी जब वो चलते हैं तो उस समय समझ नहीं आती, उसके 6-7 महीने बाद उसका रिजल्ट दिखाई देता है, क्योंकि मोदी जी अब और कठिन पॉलिटिशियन हो गए हैं, जितना कठिन पॉलिटिशियन होगा उतना मुख से कम और कृत्य से ज़्यादा करेगा। तो अभी पहले वो मुख से भी बोलते थे और कृत्य भी करते थे, अभी उन्होंने मुख से बोलना थोड़ा कम कर दिया और कृत्य ज़्यादा करना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम अब बहुत ही खूबसूरत तरीके से निकलने शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है कि जो गुपकार अलायंस का अभी कहना है कि डिलिमिटेशन ख़त्म करना चाहिए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बाइफर्गेशन ख़त्म करना चाहिए जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और यूनियन टेरिटरी बनाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और साथ में उनका कहना है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने हमें तो कभी बुलाया नहीं, डिलिमिटेशन कमीशन के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, भारत सरकार हमसे बात करे, हमारे सामने आए और भारत सरकार हमको प्रोत्साहित करे और हमसे पूछे। भाई सवाल यहाँ पर यह आता है कि डिलिमिटेशन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज उसका चेयरमैन होता है, वो क्यों आपसे पूछे? वो जनता से पूछेगा, और आपकी पॉलिटिकल पार्टी के निष्क्रिय होने के बाद जब वहाँ DDC के चुनाव हो चुके हैं, जब वहाँ काउंसलिंग के चुनाव हो चुके हैं, जब वहाँ पर जिला पंचायत नगर पंचायत के चुनाव हो चुके हैं, तो अब नई लीडरशिप जो इस समय सत्ता में बैठी हुई है उस लीडरशिप से बात करनी ज़्यादा उचित होता है, ना कि ये आउटडेटेड लीडरशिप से, बिल्कुल वैसे ही जैसे हुर्रियत से कभी बात की जाती थी, लेकिन हुर्रियत जब आउटडेट हुआ तो मोदी सरकार ने हुर्रियत से बात करना बंद कर दिया था। उसके बाद गुपकार अलायंस के जो लोग आए जिसमें महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला शाहिद सारे शामिल थे, उनमें से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बाहर हो गया था, अब इनका कहना है कि हमको पूछा जाए। तो जब आपको क्यों पूछा जाए मैं ये समझ नहीं पाया, क्योंकि DDC चुनाव के दौरान या वहाँ जिला पंचायत के लोकल चुनाव के दौरान आपकी कोई प्रत्याशी नहीं लड़े, आपकी प्रत्याशी है नहीं, आपकी सीटें नहीं, तो फिर आपसे किस लिहाज से
बात की जाए। और जब आप जम्मू कश्मीर लद्दाख के लीडर हुआ करते थे तो लद्दाख अब चूंकि अलग हो चुका है, इसलिए सब नए सिरे से शुरू होने वाला है। डीलिमिटेशन होने के बाद जो नया चुनाव होगा तब आपकी लीडरशिप हो सकता है दोबारा निकल कर आए। उम्मीद कम है कि आपकी लीडरशिप सामने आएगी, लेकिन आपकी लीडरशिप अगर तब निकल कर आती है तो फिर आपकी कोई बात सुनी जा सकती है, अदरवाइज नहीं। इसके साथ ही CPIM के जो कैंडिडेट हैं के लीडर हैं मोहम्मद यूसुफ तारागामी को गुपकार अलायंस का प्रवक्ता घोषित किया गया, क्योंकि कम्युनिस्ट बोलने में बड़े फास्ट माने जाते हैं और कम्युनिस्ट लोगों को बरगलाने में, लोगों को उल्टी धुर समझाने में बड़े फास्ट माने जाते हैं। इसलिए गुपकार अलायंस ने अभी मोहम्मद यूसुफ तारागामी को ही स्पोक्स पर्सन घोषित किया है गुपकार अलायंस की तरफ से। और गुपकार अलायंस का कहना है कि हम हर हालत में जम्मू कश्मीर का 5 अगस्त 2019 से पहले का स्टेटस मेंटेन करके रहेंगे। यही बात सेम पाकिस्तान भी कह रहा है, तो पाकिस्तान और इनकी भाषा एक सी जब दिखाई दे रही है तो इसके क्या मतलब निकाले जाएं, ये तो समय ही बताएगा या ये देश के लोग बताएंगे कि इसका क्या मतलब निकाला जाए। लेकिन इस समय जो चल रहा है वो उम्मीद ये है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं से पीछे इसमें इन्वॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि इतने समय बाद गुपकार अलायंस अचानक निकल कर आया, वो भी तब उस प्रक्रिया में जब तालिबानियों के साथ मोदी सरकार ने पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करने के लिए वार्ता शुरू की। मुझे लगता है कि अब गुपकार अलायंस के ऊपर एक्शन लेने की आवश्यकता है और उस पर एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन बिठाने की जरूरत है। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ऐसा करने के मूड में नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार अब बड़े प्रोस्पेक्टिव में सोचती है और वो करने पर ज़्यादा विश्वास करती है, इन कामों में थोड़ा कम विश्वास करती है। उसको राइट ट्रैक पर चलने की आदत पड़ गई है, ना कि राइट ट्रैक पर चलने के साथ बोलने की। तो मुझे लगता है कि ये जो चल रहा है जम्मू कश्मीर में ये एक सोची समझी रणनीति के तहत चल रहा है, जिसको भारत सरकार न्यूट्रलाइज कर ही रही है। थैंक यू वेरी मच।